मैं जनता का बहुत ही आभार बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा कि जनता ने दिया उनको भरोसा मेरे ऊपर है चुनके दिया उन्होंने। लेकिन कुछ लोग मुझे पूरा घेरने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा नैरेटिव मेरे खिलाफ फंस कर रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जिनके यहाँ खुद नशे का धंधा होता है वो ऐसा आरोप लगा रहे थे, जनता ने उनको इनकार दिया, उनको गवंडी ने उनकी जगह दिखा दिया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जगह दिखा दिया है, कितना घमंड था कितना अहंकार था, पूरी फैमिली आ रही हमारी मुसलमानों में। ऐसा है ना कि जब किसी का हस्बैंड मरता है ना तो एक इज्जत होती है, इज्जत ये औरत घर से निकलती नहीं चार महीने कुछ दिन तक। इनकी बेटी इनका हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने कुछ मुस्लिम शरीयत का कुछ मतलब नहीं रखा और इतना जरूरी समझा उसने कि पूरी शरीयत तोड़ करके आगे वोट मांग रही थी। मैं समझता हूँ ये इस्लाम में अलाउ नहीं है, इस्लाम में अलाउ है कि चार महीने 13 दिन या कोई ऐसा है उसके उतने दिन तक वो लेडी किसी से मिल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती। ये लोगों को इतना जरूरी लगता है इलेक्शन कि सारी शरीयत तोड़ दी। सर क्या कहेंगे जनता ने प्यार दिखाया, चौथी बार आप चुन के आए हैं? मैं हमेशा काम करता था, हमेशा काम करूंगा और ध्यान दूंगा कि जनता के बीच में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं झूठ बोलता है भ्रम को मैं झूठ। सर बीजेपी की जो साजिश थी कि दो मुस्लिम को आपस में लड़ा के उनको फायदा हो जाएगा, उनका जो है नाकाम हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यहाँ नाकाम तो हो गए बहुत सी जगह पर कामयाब भी हो गए और उनकी सत्ता भी आ रही है। मैं समझता हूँ बीजेपी सत्ता में आ रही है, कम से कम वोट देना चाहिए कि सांप्रदायिकता खत्म करें, मुस्लिम हिंदू झगड़ा बंद करें और जो कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे ऐसे लोगों में केस करें और देश के संविधान को लागू करें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सर एक एनिमल हॉस्पिटल बनने वाले गोंडी में सुनी मैं, एनिमल हॉस्पिटल बनेगा? एनिमल हॉस्पिटल यहाँ पे है, उसको अच्छा किया जाएगा, उसके लिए बात करेंगे। लेकिन एक हॉस्पिटल यहाँ पे जहाँ हम लोग वोटिंग करें वहाँ भी हॉस्पिटल बन रहा है और गोंडी का डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। और सर पूरे भारत में आप गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के आगे जा रहे हैं और इसका आप बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में क्या कहना चाहिए? देखिए हम चाहते हैं कि देश की जो हमारे देश की संस्कृति आपस में मिलजुल कर रहना, एकता मंदिर मस्जिद वालों से दोस्ती हो, होली दिवाली ईद बकरीद सब मिलजुल कर रहे हैं, ये हमारा काम है। लेकिन बीजेपी इसको खत्म करना चाहिए। किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरे मानपुर शिवाजी नगर की जनता? बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे मानपुर शिवाजी नगर। देखो कौन आया जिन्होंने ऐसी परिस्थिति, समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा पैसों की रेलपेल होने के बाद भी हमें चुनकर दिया, मैं इसका कभी ऐसा बहुत एहसान मंद हूँ। देखो कौन आया नगर के लिए, किस तरह साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत प्लान जो भी कामयाब करेंगे डेवलपमेंट जो भी रहेगा। मैं तो ऐसा करूं कि दिल खोल के दिल बाहर निकालूं और उससे हम लोग थोड़ा हवा में उछाल उछाल के शुक्रिया बोले, क्योंकि पिछले एक महीने में इतनी दौड़ाई हुई है जो पहले कभी इलेक्शन में नहीं हुई और बहुत जरूरी भी था क्योंकि हम लोगों को इस बार गोवंडी की जो असली नस है कहीं ना कहीं हम लोग भी चूक रहे थे तो उसकी खबर पड़ी, उसमें हम लोगों ने तेल और वो सब डाल डूल के उसको रिपेयर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया गोवंडी का, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि गोवंडी ने इस बार इतना गदगद किया वो आसम आजमी को इज्जत दे के कि अब कभी हम छोड़ के जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। गोवंडी का विकास और डबल होगा? डबल नहीं, चार बार होगा अब, क्योंकि चार बार गोवंडी ने जिता के भेजा है, चार बार हिसाब ले सकती है गोवंडी अब आसम आजमी से। देखिए कार्यकर्ता और सारा छोटे से छोटे बड़े से बड़ा कार्यकर्ता इतना जुड़ करके इस बार काम किया है समाजवादी पार्टी के साथ में कि नवाब मलिक साहब की जमानत जब्त हो गई है। जो चैलेंज लेकर के वो आए थे कि यहाँ के नशे को एक्सपोज करेंगे, यहाँ जो गुंडागर्दी गब्बर सिंह कहा उन्होंने अबू आजमी साहब को और इतने भद्दे इल्जाम लगाए बहुत AIMIM और नवाब मलिक साहब ने कि हम लोग वाकई में इतना शर्मिंदा है कि हमारे गोवंडी के बच्चों को गोवंडी के लड़कों को उन्होंने नशेड़ी बुलाया, उनके मुस्तकबिल पे दाग लगाया। और मैं वादा करता हूँ कि ये एक हर्फ जो उन्होंने गोवंडी के खिलाफ निकाला था हम सारे मिलके उनसे बदला लेंगे। सर कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश जो है नाकाम होते दिख रही है, दो मुसलमान को लड़ा के बीच में वो फायदा उठाना चाह रही है? ये तो अल्लाह ताला का एहसान है और गोवंडी वालों के हिंदू भाइयों ने इस बार इतना ज्यादा वोट दिया है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे महाराष्ट्र में बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और यहाँ पर अगली बार अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम या ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ हम इनसे बेहतर हैं बिना कोई काम किए सिर्फ पैसे की राजनीति
और सिर्फ अपने पावर की राजनीति। डबल इंजन किसी काम का नहीं है भाई साहब, हम लोग सिंगल इंजन है और हम लोग साइकिल पे चलने वाले लोग हैं। आप देखिएगा साइकिल पे चल करके यहाँ की बिल्डिंगें चमकेगी और यहाँ के जो मुस्तकबिल है वो इंशाल्लाह चलेगा। हमेशा आबू आदमी साहब जो है गंगा जमुनी तहजीब को जो है मायना देते हैं, ये करते हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं गलत जो है अफवाहें फैलाई जा रही थी उनके बारे में। देखिए अबू आसिम आजमी के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गोवंडी की जनता उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना घर का सदस्य मानती है और उसी तरह मेरे पिता जब घर पे रहते हैं तो कभी हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है तो फट से उठा के छुपा लेते हैं कि ये गोवंडी के लिए, कभी कोई एक्स्ट्रा शर्ट, कभी उनका कपड़ा छोटे होने लगता है तो उसको निकाल के ये गोवंडी के लिए, चप्पल जूता जूते का फीता तक। तो अबू आसिम आजमी को नशा है गोवंडी का और उनको आप नशेड़ी कहेंगे तो चलेगा, गोवंडी का नशा अगर आपके सर पे है तो हमको नशेड़ी बिल्कुल कहिए आप, लेकिन अगर आपने हमको नशेड़ी बोल करके गाली दिया और ये कहा कि हम लोग यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं तो ईंट का जवाब जो है पत्थर से जवाब दे दिया। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मनपुर शिवाजी नगर के आवाम को और जनता को। आने वाला 5 साल गोवंडी की जनता देखेगी, ये मैं मेरे पिता की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही थी हम लोगों से, इस इलेक्शन में हम लोगों ने जूम लेंस से देख लिया है कि कहां कमी हो रही थी और मैं एहसानमंद हूं गोवंडी का कि आपने इतने डिफिकल्ट इलेक्शन में अबू आसिम आजमी को 5 स्टार लगा करके जिता के लाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जजाकल्ला आप लोगों को। सर माहिती का बाप बाप असतो कुर्लाहून आणि कुठून कुठून जे आले ते चिल्ले पिल्ले त्यांना गोवंडीच्या जनतेने दाखवून दिले की बाप बाप आहे। आणि आसिम भाईचे काम म्हणजे कसे माहिती का, बुद्ध मंदिरापासून गल्ली गटरपासून शाळेपासून समजा कॉलेज हॉस्पिटल सर्व केलेले, दवाई दारू दवाई इतकी देतात ते 10 रुपयामध्ये दवा, आमच्या आमच्या विभागामध्ये फ्रीमध्ये बी दवा भेटते, पुष्कळ कामं केलेली आहेत त्यांनी। आणि तुमच्या चॅनलच्या माध्यमामधून सांगतो की आसिम भाई जोपर्यंत आहे तिथे गोवंडीमध्ये त्यांना कुणी पण हारू शकत नाही तेवढं तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून गवाही देतो। आसिम भाई का काम है और लोगों ने बहुत उनका लोगों का आभार है, उनको चौथी बार विधानसभा में भेज के बहुत बड़ा काम किया है और सबको चले जाएंगे जो आए थे लड़ने वोट डालते बैठने, अगर अभी और भी इंशाल्लाह आसिम भाई काम करेंगे, लोगों के जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह, जरूर पूरा करेंगे, जरूर इंशाल्लाह पूरा करेंगे और 5वीं बार भी इंशाल्लाह अगली बार भी। जनता की जीत है और जनता ने जिसको चाहा उसको जिता दिया और जनता हमेशा जानती है कि समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में रहने वाली पार्टी है, लोगों के कामकाज करने वाली पार्टी है और जनता को पूरा भरोसा था और जनता ने अपनी चौथी बार जिता दिया। आप नगर सेवक हैं अभी 2025 में इसका किसका कितना फायदा होगा ये तो जनता तय करेगी, हमने जिस तरह से काम किया है अगर जनता को अच्छा लगेगा तो हमको आगे सपोर्ट करेगी, जनता को अच्छा नहीं लगेगा तो जनता का उद्देश्य है सारा। इतना बदनाम करने की जरूरत नहीं है, सब सारी चीजें। क्या होता है इलेक्शन आता है तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं जिसपे लोग अपनी बात रखते हैं, उस पर हम भी जवाब देते हैं कि किस तरह से क्या चीजें करना चाहिए। किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मानपुर शिवाजी नगर की गहराइयों से आभार करता हूँ की उन्होंने चौथी बार जनाब आसिम आसिम यहाँ की जनता को पूरी बधाई देना चाहता हूँ मानपुर शिवाजी नगर की, जो मतदाता जो आज संविधान बचाने वाले और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले मानवता इंसानियत के प्रति जो जल से लेकर के सड़कों का जाल या मानवता इंसानियत देश में जब जब ये हमला होता है सेकुलर पे तब तब अबू आसिम आदमी का आवाज बुलंदियों पे जाता है। इस अवसर पे खुशी के अवसर पे मान खुर्द शिवाजी नगर के सभी मतदाताओं को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे भी जो आपने सवाल किया जो मुझे भी अवसर मिला कि इस आताताई हिटलर शाही सरकार में मैं भी भगवा ये भगवा के रूप में और समानता और समाज के लिए देश के लिए भी मुझे अवसर जो परिश्रम मिला अबू आसिमी साहब का जीतना यहाँ बहुत जरूरी था क्योंकि देश में जात धर्म आप देखिए महायुति की सरकार बनती है लेकिन मुद्दा बटेंगे कटेंगे का है और यहाँ अबू आसिम आजमी अगर कहते हैं तो मैंने सड़क बनाया है, मैंने जल लाया है, मैंने लोगों की मदद किया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना काम किया ही, जहाँ हिंदुओं में हिंदुओं से बांटने का काम किया वही मान खुर्द शिवाजी नगर में मुसलमानों से भी मुसलमान
बांटने का काम किया, लेकिन पीडीए की बधाई देना चाहता हूँ। सब लोग मिल करके कहेंगे ये बबर शेर जो मुलायम सिंह यादव का सिपाही था, आज अखिलेश यादव की बहुत मजबूत हाथ है। अबू आजमी साहब, अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा, और 27 का चुनाव जब होगा तो ये जो चुनाव जो जीत हुई है समाजवादी अबू आजमी साहब की और गवंडी की जो जीत हुई है, ये पूरा इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा, और 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, योगी बाबा गोरखपुर जाना तय हो गया है। सबसे पहले तो हमारी गोंडी की जनता जो हमारे विधानसभा की है खानपुर शिवाजी नगर, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने वोट दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि सब विधानसभा के लोग हैं। और अबू आशिम आजमी साहब ने पिछले 15 सालों में जो काम किया उस पर उनको वोट मिला है। अब रही बात कि विधानसभा में जा रहे, इस बार और मेहनत से ताकत से काम करना है, इतनी मेहनत से करना है जितनी की है, उससे वापस से जो चौथी बार जिम्मेदारी दी गोंडी की है तब, तो अब और भी बढ़ चढ़ के जनाब अबू आशिम आजमी काम करने वाले और जनता की आवाज रहे 15 साल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गलतियां की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर हमारे नगर सेवकों ने, मैं मुंबई अध्यक्ष लोहिया वाहिनी का होने के नाते कहता हूँ, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ जिनका दिल दुखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की ये गढ़ रही है, आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग हो, आप आशिम भाई से खुल के सारी चीजें बात कर सकते हो, और आशिम भाई से कनेक्ट होने के लिए डायरेक्ट अबू आशिम आजमी साहब से मिले, बात करें। समाजवादी पार्टी के अलावा विकल्प नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज उत्साह है और सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया है, और जो लोग भी उत्साह में शामिल हो रहे मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप बस अपनी जनता का ख्याल रख के उत्साह मनाए, किसी का दिल ना दुखाए, सबसे बड़ी चीज है। गोंडी की तमाम जनता का, 171 तालुके की तमाम जनता का, जिसने वोट दिया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो जनता बहकी थी एमआईएम की तरफ, जो जनता बहकी थी घड़ियाल की तरफ, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले टाइम पे फिर मनपा चुनाव भी आ रहा है, आप लोग एक चीज की याद रखिए कि आप लोग जो वोट आपने बांटा है कसम से सिर्फ इतना सा बच्चे नहीं तो शिवसेना निकल जाती थी, इतना बच्चे से शिवसेना निकल जाती थी। ये लोग फिर 5 साल के बाद आएंगे, शेरवानी पहन के आएंगे, हमारा कोई हल नहीं पूछने वाला। जनाब अबू आसिम आजमी पिछले 15 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं और गोंडी के आवाम ने चूंकि ये साबित कर दिया कि हमारा खादिम अबू आसिम आजमी। जनता को किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मानपुर शिवाजी नगर का? मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, बहुत 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 कम है। मैं हाथ जोड़ के अगर शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, मैं लड्डू खिला के फूल बरसा के करूँ तो है, लेकिन मैं इतना जान गया हूँ बोले बुराई से ज्यादा अच्छाई है। आज अच्छे लोगों ने अपने वोट देके साबित कर दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा जिसने वोट नहीं दिया वो बुरे हैं, वो बहक गए थे, आने वाले टाइम पे वो ना बहके। देखो जज्बातों में पॉलिटिक्स नहीं होती, जज्बातों में काम नहीं होता है। आज अबू आशिम आजमी साहब हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब चला रहे हैं। आज हम हमारे लिए लड़ रहे हो, सारी कौम के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, खास करके हम मुसलमानों के लिए। हमारे 3 तलाक के कोई मसला आ जाए, 3 पर्दे पे मसला आ जाए, अजान के मामले पे आ जाए, कोई भी बोलने वाला नहीं, कितनी भी आमदार हो जाए, किसी की एक क्लिप भी दिखा सकते। एक आए थे तड़ीपार जेल से भेजे गए थे, उनको हराने के लिए सोचिए पूरे महाराष्ट्र में एक अलायंस कहीं नहीं टूटा, उनका यहाँ पे अलायंस टूट गया। कल क्यों? अबू आशिम आजमी साहब का वोट काटो मुस्लिम का, और जिसको लिखे अल्लाह ने जिसकी नसीब में राजयोग लिखा है ना उसको बोलते ना कि वो सम्मा क्या बुझे जिसे खुदा का रोशन किया। तो ऐसी है, अल्लाह ताला जिसको देना चाहे, जिसको जो देना चाहे अल्लाह ताला उसको दे के रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गोंडी की जनता को बहुत 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 लव यू, गोंडी की जनता, गोंडी गोंडी लव यू, और हमारा गोंडी बहुत अच्छा है, शिवाजी नगर बहुत अच्छा है, जो गोंडी को बदनाम कर रहे थे अब नया मुद्दा ढूंढो विरोधियों को। सर लोगों का कहना है कि घड़ी जो है बंद पड़ गई है, पतंग कट के हैदराबाद चली गई है, इस पर क्या आपका क्या कहना है? देखिए हैदराबाद जो पतंग है ना, अगर देखा जाए जो मोदी सरकार आई है ना, मैं एक जानता हूँ आप किसी हिंदू भगवान के बारे में किसी को बोलो, किसी क्रिश्चियन के भगवान के बारे में बोलो, तो एक्शन का रिएक्शन होता है। आज जो मोदी सरकार है ये ना सबसे बड़ी देन अगर कोई हिंदुस्तान का माहौल खराब करने में तो एमआईएम की देन है। एमआईएम का फायदा उठाए, लोगों ने क्लिप दिखाया हिंदू भाइयों को, इनके दिल में जहर बोए और फिर जाके मोदी सरकार बनी है। तो मैं जानता हूँ कि भाई जो शेरवानी है ना, शेरवानी के पीछे बहुत बड़ा एक आतंकी समूह चेहरा है, मैं बोलूंगा कि ना आप सोचिए ना कि अगर अब आशिम आजमी कुछ बोल देते हैं, आजम खान कुछ बोल देते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, उनकी पूरी फैमिली को भेज दिया जाता है,
कभी एक बोलते ना कि 3.5 फीट जगह के लिए, कभी बुक की किताब के लिए, कभी बेंच की चोरी के लिए, लेकिन अवेसी भाई अगर बोलते हैं, अवेसी ब्रदर ब्रदर बोलेगा ना, कुछ भी बोलते मतलब राम भगवान के बारे में कुछ बोल दिए, कौशल्या के बारे में कुछ बोल दिया। अरे भाई आप बोलते क्यों, हर हमारा धर्म सिखाता है और ये हमारा कानून सिखाता है कि हर धर्म का रिस्पेक्ट करो। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि जनता और खासकर मेरी यंग जनरेशन जो युवा से कि भाई इन लोग की बहकावे मत आओ, ये बहुत बड़े मक्कार लोग हैं, बहुत बड़े मक्कार लोग हैं। और ये मक्कारी देखिए आज लोगों ने और दिया है, अगर 5 साल में अगर अवेसी फिर आ जाएंगे तो बोलना, फिर वो इलेक्शन की टाइम नहीं आएंगे। क्या लग रहा है आपको कि आने वाला नगर सेवक इलेक्शन में इसका कितने फायदा होने वाला है? इंशाल्लाह नगर सेवक की पूरी सीट निकलेगी, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग 4 साल से नगर सेवक में, ये सबको मालूम है। फिर भी हमारी तीनों ऑफिस चालू है, 5-7 लड़के हमारे काम कर रहे हैं, किसी का राशन कार्ड का काम हो, सफाई का काम हो, पानी का काम, हम उसकी सैलरी देते हैं, हमको मन का पैसा नहीं दे रही है। हम लोगों से ना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे जनता के बीच में, इंशाल्लाह जनता के बीच में। अबू आसिम आजमी के साथ भी सिपाही है, बोलते ना हर पार्टी में कोई बाप नहीं होता, यहाँ एक बाप है जो एक छड़ी लेके सबको सिखाता है ये अच्छा ये बुरा है, ऐसा काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सदस्य मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं, बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन सबने मुंह की खाई, क्योंकि देखिए सबके दुआएं और इनका काम सबने देखा है कि क्या करते हैं। लेकिन आज ये जो इस मतलब का जो मुकाबला था बहुत ही टफ था, क्योंकि हमारे लोगों ने अपने मुसलमान लोगों ने अपने लोगों को गिराना चाहा, लेकिन ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी रही और यहाँ की जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया है। और वो यही चाहते हैं कि जिसने किया है, जिसका काम देखा है, उसको ही हम आगे रखेंगे। और इंशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर वाले की बहुत दुआएं हैं कि दोबारा वो चौथी बार आए हैं। जनता को किस तरह से धन्यवाद कहना चाहेंगे? जनता को धन्यवाद हमारे दिल और जान से है, बहुत ज्यादा धन्यवाद कि किस तरह से हम लोग मतलब एक ऐसे था कि एक एक मरतबा ये लगा कि बस अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन सब लोगों ने इतना जबरदस्त साथ दिया, इतनी सख्त मुश्किल में भी हम लोग तैर कर पार हो गए दरिया को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।